अगर हम ये खबर फैला दें कि झूमरपुर की महारानी के गले में हीरों का हार करोड़ों रुपए की कीमत का है, तो वो जोकर चोर उसे चोरी करने जरूर आएगा। अरे वाह, झकास आइडिया झकास। लेकिन पहले डॉक्टर भटवड़ेकर से लाफिंग गैस का इलाज पूछ लेते हैं। आप ठीक कह रहे हैं बट्टू, चलिए डॉक्टर भटवड़ेकर से इस लाफिंग गैस के बारे में पूछते हैं। देखो मेरे आविष्कार, कैसा लगा मेरा शॉर्टकट? ये तुम दोनों किसी और को मत बताना, टिंग टोंग को भी नहीं, वरना पूरी दुनिया को खबर हो जाएगी। उन्हें आज तक नहीं बताया और ना ही बताने का इरादा है। डॉक्टर, आपने लाफिंग गैस वाली चोरी तो सुनी होगी। यस यस। अरे वाह, ये खाने की खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे वॉशिंग मशीन में खाना। अरे वाह, उतरी। चल गया रे, चल गया। ये वॉशिंग मशीन नहीं, ये मेरा माइक्रोवेव ओवन है। मेरा खाना गर्म हो रहा था। एक और बार। उतरी, चला दिया, चला दिया। अरे बट्टू क्या कर रहे हो? वो मेरा कॉफी टैप है, वहाँ से गर्मा गर्म कॉफी आती है। बट्टू एक जगह खड़े रहिए चुपचाप। भटवड़ेकर सर, पानी कहाँ है, जल्दी बताइए। अभी लाता हूँ, ये लो। दिखता है वो वैसा है नहीं, यहाँ जो है वो नहीं है और जो नहीं है वो है, so be careful। भटवड़ेकर सर, आपने उस लाफिंग गैस वाली चोरी के बारे में तो सुना ही होगा, हमें उस गैस का कोई इलाज बताइए ना प्लीज। लाफिंग गैस का इलाज सिर्फ मास्क है, तुम लोग मास्क पहन कर रखो, इससे पहले कि वो तुम पे लाफिंग गैस डाल के हंसा दे, तुम उन पे क्राइंग गैस डाल के उन्हें रुला देना। थैंक यू डॉक्टर भटवड़ेकर। अरे अब मिलने दो उस जोकर को, ये क्राइंग गैस उसके मुंह में स्प्रे करके बट्टू उसे इतना रुलाएगा कि वो कभी हंस नहीं पाएगा। मैंने तुम्हारी मदद की, हेल्प की, और तुम मेरे साथ ऐसा करते हो, बट्टू गट्टू। उठो उठो, बताओ गट्टू बट्टू कहाँ है, मैं उन्हें पकड़ने आया हूँ। वो फ्रिज में घुसे और गायब हो गए, वो ऊपर वाले के पास चले गए साहब जी। सोची में आप कौन है, कौन है आप, कौन? हम गट्टू हैं, बट्टू के दोस्त, ऊपर वाले के पास से वापस आए हैं। हम चोर नहीं हैं, आपने हमें चोर कहा था और अब हम हिसाब बराबर करेंगे। नहीं नहीं, हिसाब बराबर नहीं करना, मुझे हिसाब बराबर नहीं करना है, नहीं करना।
गट्टू, यही है वो इंसान जिसने हमें चोर कहा। अब इसे ऊपर वाले के पास ले चलते हैं और हिसाब बराबर करते हैं। चमसेन, इन्हें बताओ, बता दो इन्हें कि मैं एक अच्छा इंसान हूँ रे, एक बहुत अच्छा इंसान हूँ। सुनिए मनमानी, खबर फैला दीजिए कि झूमरपुर की महारानी जो कल आ रही हैं, उनके गले का हार करोड़ों रुपए का है। देखना वो चोर वहाँ जरूर आएगा, तब आप उसे पकड़ लीजिएगा और उसके बाद हम आपको ऊपर वाले के पास ले जाएंगे। जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा, लेकिन ऊपर वाले के पास नहीं ले जाना। जब बसे ने बोलो ना, क्या बात है, समझ गया। काम जितना मुश्किल हो उसे करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। बरखुरदार खुश इंसान को तो सभी हंसाते हैं, लेकिन जो दुखी को हंसाए वही जोकर कहलाता है। चलो साथियों, झूमरपुर की महारानी के मनोरंजन की तैयारी करो। बोले तो जल्दी जल्दी कान लगाओ, बाद में लास्ट प्रोग्राम आए फिर क्वीन लंच करेंगे। उतरी गट्टू, वो देखो जोकर। बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है यहाँ खतरा है, खतरा यहाँ कुछ होने वाला है। मास्क पहनो जल्दी। बट्टू जैसे ही वो लाफिंग गैस डालने आए, आप उन पर ये क्राइंग गैस डाल देना, ओके? सर जी, वो देखो स्टेज पे जोकर, लगता है वो यहाँ पे चोरी करने आया है। अमलदार चम्मच सिंह, चोर वहाँ नहीं बल्कि चोर यहाँ है। कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मास्क उतारो, यू आर अंडर अरेस्ट। भूत, अरे तुम दोनों तो भूत बन गए थे। भूत? नहीं सर, वो एक मजाक था। हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन चोर हम नहीं, जोकर है और वो अभी स्टेज पर है। हंसते रहो, मस्ती में जीवन बिताते रहो। मेरा नेकलेस चोरी हो गया। अरे बट्टू का सिक्स सेंस कह रहा है यहाँ खतरा है, खतरा यहाँ कुछ होने वाला है। हंसना छोड़िए, हंसिए मत, हंसिए मत, हंसिए मत और चोर को पकड़िए। उतरी, दर्द हो रहा है। नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ। अरे बहुत टेस्टी है, अच्छा है। अरे बताओ टेस्ट कैसा है? टेस्ट अच्छा है। सुनो भाइयों, जिसे जिसे रसगुल्ला खाना है वो लाइन से खड़े हो जाओ, बाद में रसगुल्ले खत्म हो जाएंगे। पहले रसगुल्ले खा लो, फाइट करने के लिए तो पूरा दिन पड़ा है पूरा। हम यहाँ रसगुल्ले खाने नहीं, फाइट करने आए हैं। फाइट करो। नहीं आए।
सर। अब रोते हुए फाइट कीजिए। नहीं नहीं, बार खोरदार महारानी का हार निकालिए। थैंक यू गट्टू बट्टू, थैंक यू वेरी मच। सॉरी सॉरी। कानून की जेल बहुत बड़ी होती है, वहां चल के रोना और सॉरी बोलना।